तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है Realme और यहाँ पर 11 Pro, ये 5G। यहाँ पर देख सकते हैं ये 80 वाट है डाटा केबल एड इन इंडिया। बड़ा सा जो इसका राउंड है देख सकते हैं, ये कैमरा है। तो इसका भी निकालेंगे, कैसे देखने को मिलेगा मोबाइल। तो देख सकते हैं फाइनली मोबाइल खुल चुका है। और ये है, आप देख सकते हैं ये फोन का, और ये आपका क्रॉप डिस्प्ले के साथ में आता है। इसका पीछे एक बार दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं दोस्तों पूरा गजाब। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर रियलमी पावर बाय एंड्रॉयड, और यहाँ पर देख सकते हैं हेलो भी आ गया। डन के ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर रियलमी UI आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं गेट स्टार्ट, क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक कर दिया हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों फाइनली जो हम लोग का सेटअप पूरा हो चुका है, और अपना जो फ़ोन है वो यूज करने के लिए रेडी हो चुका है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग्स। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं? आई होप सब कोई ठीक है और मस्त है। तो दोस्तों आज आप देख सकते हैं मेरा हाथ में है रियलमी 11 Pro 5G। तो दोस्तों आज इसको हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या फीचर मिलता है और क्या क्या इसके डब्बा के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। तो इसको फटाफट अनबॉक्सिंग करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर का सील मरा हुआ है और ऊपर में प्लास्टिक चिपका हुआ है। तो इसको हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद में इसका फीचर को आपको थोड़ा दिखाएंगे और क्या क्या है इसमें, क्या क्या मिलता है सब कुछ दोस्तों आपको बताएंगे। और इसका प्राइस कितना है दोस्तों वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, ऑफलाइन कितना पड़ेगा और ऑनलाइन कितना पड़ेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है रियलमी और यहाँ पर 11 प्रो, ये 5G। यहाँ पर देख सकते हैं 5G डिवाइस है और 11 प्रो है, ठीक है। तो ये लेटेस्ट में आया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको फीचर इसका दिखा देता हूँ अच्छा से। कर्व डिस्प्ले यहाँ पर 120 GHz का, और यहाँ पर जो कैमरा है वो 100, यहाँ पर देख सकते हैं 100 MP OIS, ठीक है, प्रो लाइट कैमरा है। उसके बाद में यहाँ पर डेमेंसिटी 7050 5G चिपसेट। उसके बाद में यहाँ पर 67 वाट का चार्जर है, और साथ में आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर जो सील लगाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लास्टिक ऊपर में है, उसके बाद में अंदर में ये सील लगा हुआ है। तो सबसे पहले प्लास्टिक खोलेंगे, उसके बाद में जाके ये सील खुलेगा। देख सकते हैं ये जो मॉडल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 Pro 5G रियलमी, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर देख सकते हैं रैम 8 GB है, और उसके बाद में रोम जो है 128 यानी कि 128। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कलर ग्रीन है। तो चलिए दोस्तों ये जो फ़ोन है इसको हम लोग फटाफट ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। तो ये है चक्कू, तो इसमें से सबसे पहले काटेंगे। तो ये सबसे पहले इधर से पीछे तरफ से इसको काटेंगे, इसका प्लास्टिक खोलेंगे यहाँ, उसके बाद में स्टिक को। तो देख सकते हैं ये प्लास्टिक को मैं काट दिया हूँ, और इसको खोलते हैं प्लास्टिक को, पहले इसको खोल दिया हूँ और इसको रख देते हैं साइड में जी। तो चलो इसको भी ओपन करते हैं। तो देख सकते हैं इसको हम लोग करेंगे ओपन, तो ये टाइट हो गया है, इसको खोल देते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका जो डब्बा है, थोड़ा इसका पूरा डब्बा जो है पूरा अच्छा अच्छा दिया है, मतलब बहुत टाइट है इसका डब्बा, ठीक है। इसको रख देते हैं साइड में, उसके बाद में हम लोग आएंगे इसमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये खोलते हैं इसमें, ये है, इसमें शायद दिया गया है आपका बैक कवर, तो इसको भी रख देते हैं साइड में। उसके बाद में ये है यहाँ पर मोबाइल, तो इसको देखते हैं खोल के। अच्छा, तो देख सकते हैं ये है मोबाइल, तो इसको भी थोड़ा सा साइड कर देते हैं। उसके बाद में देखेंगे इसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो ये डाटा केबल है एक,
यहाँ पर इसको भी साइड कर देते हैं। उसके बाद में इसका जो चार्जर है कितना वाट का देखते हैं, थोड़ा किधर लिखा हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों ये है 80 वाट। तो यहाँ पर कितना लिखा गया था डब्बा में कितना था, अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं 67 वाट चार्जर। ठीक है, सुपर फास्ट वाला है, सुपर वॉक यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन इसमें 80 वाट का दिया है, इसमें 67 का दिया है, तो 80 वाट का दिया है तो अच्छा है। तो देख सकते हैं ये इसमें आपको 80 वाट का फास्ट चार्जर आपको मिलता है, मेड इन इंडिया। ठीक है, तो इसको सेट कर देते हैं, इसको भी सेट करते हैं। उसके बाद में इसमें क्या आता है देखते हैं, डायर टू लीप। तो इसमें क्या मिलता है दोस्तों, इसको भी ओपन करके देखेंगे इसमें क्या है, क्या क्या है इसमें। तो इसको खोलते हैं उसके बाद में देखेंगे। तो यहाँ एक पिन है जो आप सिम लगाने का टाइम में काम आता है, देख सकते हैं इसमें से आप पिन लगा के मोबाइल खोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको सेट कर देते हैं। उसके बाद में दोस्तों इसमें आपको कुछ मैनुअल कार्ड मिल जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं सिम आपको कैसे लगाना है, कैसे खोलना है। और यहाँ पर फाइनली जो है ये आपका प्लास्टिक कवर है जो मोबाइल का है। और इधर बड़ा सा जो इसका राउंड है देख सकते हैं, ये कैमरा है, कर्व जैसे दिया गया है, स्टिकर ही है, कैसे लगाना है क्या नहीं वगैरह वगैरह। साइड इसको भी कर देते हैं साइड। और मेन जो है हम लोग का ये मोबाइल, तो इसको अभी निकालेंगे कैसे देखने को मिलेगा मोबाइल। तो देख सकते हैं फाइनली मोबाइल खुल चुका है। और ये है आप देख सकते हैं ये फ्रंट का, और ये आपका क्रब डिस्प्ले के साथ में आता है देख सकते हैं। साइड मतलब प्लेन नहीं है, साइड साइड में आपको राउंड टाइप का देखने को मिलेगा, देख सकते हैं डिस्प्ले साइड साइड में पूरा राउंड यू टाइप का आपको थोड़ा सा देखने के लिए मिलेगा, पूरा प्लेन नहीं रहेगा, जैसे कि पूरा प्लेन ये प्लेन नहीं रहेगा, थोड़ा सा आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा डिस्प्ले ये इस टाइप का। तो देख सकते हैं, और इसमें इसका पीछे एक बार दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं दोस्तों पूरा गजाब दिखने के लिए, पूरा गजाब मिल रहा है, ऐसा पहली बार देख रहे हैं फोन। और देख सकते हैं इसका कैमरा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको चार कैमरा मिलेगा, यहाँ 1 2 3 4, बीच में एक मिलेगा और साइड साइड में एक, और ऊपर में ये शायद लाइट है फ्लैश लाइट, यानी कि इसमें 3 कैमरा शायद आएगा। और नीचे में आपका 100 MP रियल मतलब कैमरा का जो कितना है उसको दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, और ये तो वही है मॉडल सब लिखा गया है। और इसका जो पीछे बैक साइड देख सकते हैं, मतलब देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है। इसका दोस्तों 3 कलर आता है, एक ब्लैक कलर और एक गोल्डन कलर और ये ग्रीन कलर। तो मुझे पर्सनली ये जो ग्रीन कलर बहुत पसंद आया, तो इसको मैं ऑर्डर नहीं, मैं इसको एंड में बताऊंगा कहां से मैं परचेस किया था। ठीक है, तो देख सकते हैं। और इसमें जो स्पीकर है दोस्तों आपको ऊपर में भी देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं स्पीकर, और दोस्तों यहाँ पर भी देख सकते हैं स्पीकर, यानी कि जो आपका जो लैपटॉप में जो साउंड निकलता है निकल के आता है उस टाइप का ये साउंड आएगा आपका, मतलब स्टेरियो टाइप का साउंड आएगा, मतलब किधर से साउंड आ रहा है उसको आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब सुनने में बहुत ही मज़ा आएगा। और इसका यहाँ पर देख सकते हैं, तो दोस्तों नीचे साइड में आप देख सकते हैं ये है स्पीकर, उसके बाद में ये है चार्जर पॉइंट यानी कि सी टाइप का, और यहाँ पर आपको छोटा सा एक माइक दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में ये है आपका सिम स्लॉट, यहाँ से आप खुलेगा आपको जो सिम डालने के लिए, तो साइड में नहीं दिया है, इसमें लेफ्ट साइड में रहता है लेकिन लेफ्ट साइड में नहीं दिया गया, सब कुछ यहाँ नीचे में दिया गया है। उसके बाद में राइट साइड में आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्विच का बटन एक मिलेगा, उसके बाद में ये आपका वॉल्यूम अप डाउन का मिलेगा। ठीक है,
इसके बाद में यहाँ पर भी एक इसमें जो खासियत बात है दोस्तों, ये जो स्पीकर है ऊपर में, इससे दोस्तों आपका जो मोबाइल का जो साउंड है ना पूरा बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। मतलब सुनने के लिए आपको बहुत मज़ा आएगा, पूरा मतलब स्टीरियो साउंड आएगा और आपका जो हॉल टाइप का ही आप जब देखोगे मोबाइल में कुछ भी सुनोगे या देखोगे वीडियो तो आपको ऐसा फील आएगा। कमेंट जरूर कर देना दोस्तों ये कलर आपको कैसा लग रहा है और ये फ़ोन आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, ये भी कमेंट करके ज़रूर बता देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक को, मेरा जो अकाउंट है उसको फॉलो कर लेना। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों इसको ऑन कर लेते हैं, देखते हैं ऑन होता है कि नहीं होता है। तो मैं पावर बटन ऑन कर दिया हूँ, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर Realme Power by Android लिखा आ रहा है। तो उसके बाद में इसमें कुछ कुछ सेटअप करना पड़ता है, तो थोड़ा ऑन करके बाद में इसमें सेटअप करेंगे। तो पहले आपको ऑन करके मैं दिखाऊंगा कैसे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर Realme का जो लोगो आ चुका है, देखने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों मेरे को फ़ोन। और यहाँ पर देख सकते हैं हेलो भी आ गया है। तो नीचे यहाँ पर देख सकते हैं एरो का निशान है, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट लैंग्वेज करके आपको देखने के लिए मिलेगा, तो अपना लैंग्वेज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इंग्लिश। तो इंग्लिश के ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ से नेक्स्ट है, यहाँ से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पूछा जा रहा है सिलेक्ट रीजन, तो यहाँ पर कौन सा कंट्री से है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ ऊपर में देख सकते हैं इंडिया, तो इंडिया के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा, सब के ऊपर में आपको टिक कर देना है, ठीक है, सब के ऊपर में टिक कर देना है। उसके बाद में नीचे आपको नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कनेक्ट टू ए मोबाइल नेटवर्क, तो यहाँ पर सिम लगाने के लिए बोला जा रहा है। तो अभी इसमें सिम नहीं लगाएंगे तो खाली सेटअप खाली कर देंगे ऑन करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ वाईफाई मांग रहा है, तो वाईफाई में कनेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो देख सकते हैं मेरा वाईफाई आ चुका है हॉटस्पॉट, तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से जो अपना पासवर्ड है इसको मैं डाल देता हूँ, क्लिक के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये कनेक्ट हो गया है, देख सकते हैं कनेक्ट। उसके बाद मैं नीचे से नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा, तो यहाँ पर थोड़ा देर टाइम लेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर रेडी हो चुका है और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कॉपी ऐप एंड डाटा। तो यहाँ नीचे में आपको दो ऑप्शन मिलेगा देखने के लिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं डोंट कॉपी एंड नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी कुछ हम लोग को कॉपी नहीं करना है, तो यहाँ से डोंट कॉपी के ऊपर में क्लिक कर देंगे। उसके बाद में थोड़ा सा वेट करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद में साइन इन का आपका ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं और नीचे आपको दिया जाएगा दो ऑप्शन, जो यहाँ पर आपको स्किप और नेक्स्ट का। तो अभी हम लोग को स्किप कर देना है, बाद में हम लोग ईमेल आईडी डाल लेंगे। तो यहाँ नीचे जो है स्किप, यहाँ पर स्किप कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर भी सेटअप जो दिखा रहा है स्किप अकाउंट सेटअप, तो यहाँ से भी हम लोग स्किप का कर देते हैं, बाद में इसको सेटअप करेंगे। तो यहाँ पर गूगल सर्विस दिखा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी मोर नीचे आएंगे, उसके बाद में यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको लॉक दिया जाएगा, मतलब फेस लॉक करेंगे या फिंगरप्रिंट या पासपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनलॉक मेथड, तो ये आपको तीन ऑप्शन मिलता है, फर्स्ट में फिंगरप्रिंट लॉक, उसके बाद में सेकेंड में फेस लॉक और पासवर्ड, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग फिंगर या फेस कुछ नहीं लगाएंगे, बस स्किप तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक पासवर्ड लगा देंगे यहाँ से। तो यहाँ पैटर्न लगा देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ भी तीन ऑप्शन आता है, लेकिन हम लोग पैटर्न के ऊपर में जाएंगे। तो पैटर्न
लॉक कर देंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद में यहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। और यहाँ पर पूछा जा रहा है हम लोग कैसे मतलब ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ड्रॉ अनलॉक पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, तो हम लोग इसको एक लगा देंगे जैसे भी अभी के लिए, बाद में हम लोग चेंज कर सकते हैं, ऐसे लगा देंगे। तो उसके बाद में ड्रॉ अगेन मतलब और एक बार करना है, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पर नेक्स्ट भी आ गया है, तो यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर रिव्यू एडिशनल ऐप, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करना है, ऑल द ऐप फॉलोइंग, ठीक है। अभी के लिए इसको ओके कर देते हैं, बाद में देखते हैं। ओके कर देंगे और गेटिंग योर फोन रेडी, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइन इन टू रियलमी अकाउंट, तो क्या करना है हम लोग को, अभी कुछ कर नहीं करना है। तो इसमें आपको फ़ोन नंबर या ईमेल डालना पड़ता है, तो हम लोग ऊपर से स्किप कर देते हैं, स्किप कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो आपका स्लाइड नेविगेशन जो दिखा रहा है, तो इसको आपको कैसे लगाना है, तो हम लोग को सिंपल लगाना है। तो हम लोग को यहाँ दो ऑप्शन मिलता है, तो हम लोग को सिंपल लगाना है, तो ये वाला को हम लोग चूज़ करेंगे। तो उसके बाद में यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको सब कुछ ऑन कर दिया हूँ मैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट दिखा रहा है, तो इस सब को रहने देते हैं अभी के लिए। तो इसको नेक्स्ट डन कर देते हैं। डन के ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर रियलमी UI आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं गेट स्टार्ट, देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसी के ऊपर में क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक कर दिया हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली जो हम लोग का सेटअप पूरा हो चुका है और अपना जो फ़ोन है वो यूज करने के लिए रेडी हो चुका है। तो देख सकते हैं दोस्तों, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, इधर से भी देख सकते हैं, मतलब फ़ोन जो है पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया, देख सकते हैं। और ऊपर से इसे करेंगे तो इसका जो यहाँ पर जो भी है देखने के लिए मिलेगा आपको, फ्लाइट मोड हुआ, रोटेट मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और कुछ कुछ जो इसका है उसका सेटिंग में जाकर हम लोग ला सकते हैं। तो देख सकते हैं इस बहुत ही स्मूथ चल रहा है, और इसका ये एप्लीकेशन जो पहले से दिया गया है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने के लिए, देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये फ़ोन कैसा लगा, और ये रियलमी 11 प्रो आपको कैसा लगा 5G, एक कमेंट ज़रूर कर देना। और इसका जो कलर कैसा लग रहा है दोस्तों, इसको भी आप कमेंट में ज़रूर बता देना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में इतने ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट, और चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो दोस्तों, मेरा जो अकाउंट है या पेज है जो भी है उसको आप फॉलो जल्दी से कर लेना। चलिए आपको रेट में बताने वाला हूँ, और इसका जो प्राइस है देख सकते हैं, ये है रियलमी 11 प्रो 5G, ठीक है। तो इसका जो इसका मॉडल है 8128 है, तो कहाँ पर लिखा हुआ तो दिखा देता हूँ, यहाँ पर है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको रैम जो 8GB और रोम 128GB, ठीक है। ये मॉडल का आपको यहाँ पर जो रेट है ये आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर नहीं, यहीं पर रहेगा। तो इसका जो प्राइस है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 25,999, यहाँ पर देख सकते हैं, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ 25,999, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये अभी ऑनलाइन में आपको फ्लिपकार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा 21,999, यानी कि 22,000 के आसपास में ये पड़ेगा आपका। लेकिन दोस्तों ऑफलाइन में अगर लोगे तो दोस्तों इसका 2-3 हज़ार आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा, यानी कि 24,000 या 25,000 के अंदर में आपको ये फ़ोन मिल जाएगा। तो मैं ऑफलाइन ही लिया था, मैं पैसा नहीं था तो इसलिए मैं ऑफलाइन ही लिया था इसको, तो मैं लिया था वही 25,000 के करीब ऑफलाइन में। अगर आप ऑनलाइन में ऑर्डर करेंगे तो दोस्तों आपको 22,000 के आसपास ये मोबाइल मिल जाएगा।